हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए हम देखते हैं मार्केट में हम लोगों का जो इंडिकेटर है, जो मैंने आपको सिखाया है विथ सेटिंग, जो प्रीमियम ग्रुप का इंडिकेटर है, ठीक है, वो पेड ग्रुप का इंडिकेटर है। तो वहां पर मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सिखाया है कि किस तरीके से आप कर सकते हो। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन में वीडियो को डाल दूंगा, उसका रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट उसने किस तरीके से आज के दिन में काम किया है। तो एलटीपी कैलकुलेटर के साथ हम लोग उसको कंपेयर करने जा रहे हैं। और अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो मार्केट में कि इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर कैसे काम करता है, ऑप्शन बाइंग क्या है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, तो आपको ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा कम्युनिटी बैचेस का, ऊपर व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो जून महीने की बैच के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं कि कितने तरीके से मार्केट में ट्रेड हो सकता है, तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ठीक है, आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी के वहां पर बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो एलटीपी कैलकुलेटर का सबसे पहले जो है हम लोग डेटा रीड कर लेते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर का जो डेटा है आप देखिए किस तरीके से इंडिकेटर ने आज प्रॉफिट दिया। ऊपर टॉप पर हम लोगों को सेलिंग का सिग्नल जो है यहाँ पर देखिए ऊपर टॉप पर हम लोगों को सेलिंग का सिग्नल जो है वो देखने के लिए मिला, और कहीं ना कहीं ये लीनियर रिग्रेशन की कैंडल को लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये बॉटम क्रॉस करता हुआ दिखा ये लाइन का, यहाँ पर हम लोगों का ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूट होना था सेलिंग की तरफ, क्योंकि टॉप पे सेलिंग का सिग्नल आया है। आप सेलिंग का सिग्नल देख करके आप यहाँ पर जो है देखिए लोअर जो डे का लो है वो भी आप इसके अंदर आप देखिए 16 तारीख यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन ये सेलिंग का सिग्नल मिला हम लोगों को और इसके बाद जो है वो क्रॉस करता हुआ भी दिखाई दिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल का पोजीशन ले सकते हैं, वहां से लेकर यहाँ तक का ट्रेड हम लोगों को दिखाई, ये ऊपर की लाइन पर क्रॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को सेलिंग का सेल एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो ये रहा इंडिकेटर के हिसाब से, इसका भी सेटिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं एलटीपी कैलकुलेटर ने हम लोगों को कब और कहाँ पर ट्रेड दिया। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनेरियो दिखा रहा था 97% बिफोर मार्केट ओपनिंग, मार्केट ओपन करने से पहले ही, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इसको मार्केट में प्ले बटन दबाते हैं, जैसे मार्केट को ओपन करते हैं, ये ब्लू कलर यहाँ पर 22,200 पर आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। देखिए मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, और ब्लू कलर वहां पर, यानी कि शिफ्टिंग तुरंत हो गई, ठीक है, शिफ्टिंग जो है वो तुरंत हो गई। अब शिफ्टिंग जब हो जाती है तो उसके बाद ये वीक टुवर्ड्स टॉप जो है वो दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने शिफ्टिंग कर ली है, ठीक है, शिफ्टिंग कर ली है। अब इसका जो परसेंटेज है ना उसके ऊपर ध्यान रखना है, 93% है, ये धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, ये धीरे धीरे कम होगा, लेकिन यहाँ पर जब आप देखने जाओगे तो रेजिस्टेंस जो है ना वो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो मोटा मोटे तौर पर अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको निकाल दो यहाँ से, ये वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है, ठीक है। जो आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट वो है वीक टुवर्ड्स बॉटम और ये रहा आपका वीक टुवर्ड्स टॉप। तो ओपन इंटरेस्ट से तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि मार्केट ओवरऑल जो है वो कहीं ना कहीं एक रेंज में रह सकता है, ठीक है, 22,000 से लेकर 22,500 तक की रेंज हम लोगों को दिखाई दे रही है ओपन इंटरेस्ट की। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से, तो वॉल्यूम में हम लोगों को क्या दिखाई देता है, 22,300 पे रजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट हम लोगों का 22,200 पे जो है वो अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। तो मॉर्निंग में ये सिनेरियो होता तो हम लोगों को क्या करना है, जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रेजिस्टेंस पे अगर मिल रहा होगा तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड लेने वाले, और हमारे इंडिकेटर ने भी यहाँ पर सेलिंग का जो है वो सिग्नल दे दिया है। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को निकालने के लिए देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है, तो 344 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को बाद में कितने बजे की बात है, ये करीब करीब आप लोग यहाँ पर करीब करीब आप लोगों को 9:25 की ये बात है, जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है और एक्सटेंशन जो है वो 340 का दिखाई दे रहा है, ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा में अभी हम लोग ये चीज जो है वो देखने जा रहे हैं। तो 340 का हम लोगों को क्या इसने क्रॉस किया है, तो ओरिजिनल कैंडल जब हम लोग लगाते तो यहाँ तक ये ऊपर की तरफ टॉप जो है इसने लगाया है और वो टॉप जो है वो 330 का, 40 तो नहीं लगाया, 330 से ये सेलिंग का सिग्नल जो है वो हम लोगों को दिखाया, ठीक है। तो ओरिजिनल कैंडल्स को हम लोग हाइड कर देते हैं, ओरिजिनल कैंडल्स भी आप यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हिस्टोरिकल डेटा में आप देखिए जब 9:30 था,
ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा में 9:30 था, तो करीब करीब 9:30 आपका यहाँ कहीं पर आ रहा है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा आप लोगों को, अगर ओरिजिनल कैंडल हम लोग देखें तो ओरिजिनल कैंडल में ये 16 तारीख है आज हमारी, तो यहाँ कहीं पर ओपन हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ हम लोगों को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, लीनियर रिग्रेशन की जो कैंडल्स है उनको हाइड करके सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कैंडल्स के ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल कैंडल्स में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यही पर मार्केट जो है वो घूम रहा था, ठीक है 5 मिनट के इसमें। अब इसका हम लोगों ने हाई मार्क कर लिया है, वैसे हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट की कैंडल का डे लो जो है वो मार्क कर लेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है ओरिजिनल कैंडल में, इसने बाइंग का सिग्नल तो दिखाया था लेकिन ये ऊपर की तरफ निकला नहीं, ठीक है ऊपर की तरफ निकला नहीं, और ये नीचे की तरफ अभी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो जैसे ही ये लाइन के नीचे जाए आपको क्या करना है, एक सेलिंग का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब आप फ्यूचर्स में सेल कर सकते हो, या फिर उसका कॉल सेल कर सकते हो, या फिर पुट बाय कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कॉल पुट लगा दिया है, अगर आप देखोगे यहाँ पर कॉल अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ तक का बॉटम लगा, यानी कि 50 रुपीज एक ऑप्शन सेलर के लिए मोर देन इनफ होता है। 50 रुपीज का अगर आप 100 क्वांटिटी भी सेल कर रहे हो तो 50 रुपीज के अंदर आपका 5,000 का प्रॉफिट हो गया, 5,000 का प्रॉफिट जो है वो मोर देन इनफ होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, 5,000 का दिन का प्रॉफिट बन रहा है और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ कहीं पर ऑप्शन बाइंग की पोजीशन बनी थी, उसके अंदर जो आप देखोगे 113 रुपए का ये प्रीमियम जो है वो गया है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए मकड़ के चल रहे हैं, या फिर 70 रुपए मानकर चल रहे हैं कि आपने 70 रुपीज का जो है वो टारगेट कैप्चर किया ऑप्शन पुट बाइंग के लिए जैसे ही नीचे आया, ठीक है 70 रुपीज, और हम लोग क्वांटिटी जो है वो 100 की मान के चल रहे, तो आपका 7,000 का प्रॉफिट बना। लेकिन आज जो है ऑप्शन बायर ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा यहाँ पर पुट के साइड में, लेकिन उसी ने कमाया होगा जिसने सेटअप को फॉलो किया होगा, ठीक है। सेटअप को फॉलो करना यानी कि मैं आपको अभी उसको बताने वाला हूँ कि सेटअप क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो कंप्लीटली आपको ये चीज जो है वो ओरिजिनल कैंडल्स को हाइड करना है, ठीक है यहाँ पर जाकर के ओरिजिनल कैंडल्स को हाइड करना है, और आपको लिनियर रिग्रेशन जो इंडिकेटर है, लिनियर रिग्रेशन कैंडल वो इंडिकेटर लगा लेना है, वो उसका सेटिंग क्या क्या करना है वो मैंने उस वीडियो में भी बताया, और यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ जो सिग्नल स्मूथनिंग है उसको आपको 7 कर देना है, ठीक है, और ये 11 ही रखना है, ठीक है। लिनियर रिग्रेशन का यहाँ पर आप लोगों को प्लॉट कर देना है, और कलर आप यहाँ से लाइन का चेंज कर सकते हो, मेरा व्हाइट बैकग्राउंड है तो मैं जो ब्लैक कलर का लाइन जो है वो रखा है, ठीक है। तो कुछ एंड कैंडल्स आपको इस तरीके से दिखाई देगी। दूसरा जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है यूटी बॉट। इतने सारे इंडिकेटर जो है वो मैं आपको सिखाता हूँ प्रीमियम ग्रुप के अंदर और कम्युनिटी बैच के अंदर। तो यूटी बॉट जो है वो हम लोगों ने लगा दिया है, यूटी बॉट का जो सेटिंग करना है वो पहले नंबर का जो है वो अनटिक कर देना है, और बार कलर जो है उसको अनटिक कर देना है। हम लोगों को सिर्फ बाय सेल सिग्नल चाहिए, उसको हम लोग क्या कर दिए, उसको लगा दिया। और यहाँ पर आप लोग जब आओगे की वैल्यूज के ऊपर इनपुट्स में, तो इसको 1 कर देना है, ATR पीरियड को 2 कर देना है, और इसको क्या करेंगे, सेव एज डिफॉल्ट और ओके के बटन पर क्लिक कर दोगे, तो ये पूरा सेटिंग आपका लग गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सेलिंग का सिग्नल मिला है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर ओरिजिनल कैंडल हम लोग देखने जाए तो ओरिजिनल कैंडल तो सेलिंग के सिग्नल पर यहाँ तक गिर चुकी थी, ठीक है। तो आपका यहाँ से लेकर जो चल रहा है ट्रेड वो अभी यहाँ तक का ट्रेड आपको मिला होगा, लेकिन सबसे बेस्ट जो ट्रेड रहा होगा वो ये रहा होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। तो 100 पॉइंट्स आपको फ्यूचर्स में भी मिले। अब लेट्स से इमेजिन आपने फ्यूचर्स में 2 लॉट बाय किए हैं कहीं ना कहीं 50 क्वांटिटी, ठीक है 50 क्वांटिटी आपने सॉरी सेल किया है, तो 50 क्वांटिटी के अंदर अगर आप 100 पॉइंट्स अगर कैप्चर कर रहे हो फ्यूचर्स के, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी 5,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो नॉट अ बैड आइडिया दैट की 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप कैप्चर कर रहे हो, अभी 50 पॉइंट क्वांटिटी में आप 5,000 कमा रहे हो, ठीक है। जब ये आप 4-5 बार 100 क्वांटिटी कमा लोगे तो 25 to 25,000 का प्रॉफिट आप अर्न कर लोगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 100 क्वांटिटी जो है आप वो कैप्चर करो, जस्ट 50 क्वांटिटी के ऊपर 100 पॉइंट्स फ्यूचर में कैप्चर करो, कितना प्रॉफिट बन रहा है 5,000 का, ये आपको कितने टाइम करना है, ये आपको कितने, और प्रॉफिट लॉस जो है ना वो कितना होना चाहिए, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, 30 से 40 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स,
और 50 क्वांटिटी के लिए आपका स्टॉप लॉस रह जाएगा 1500 से 2000, ठीक है, 2000 2500 मैक्स स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। आप अगर 40 पॉइंट्स का भी एसएल रखते हो फ्यूचर्स के अंदर और 50 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो तो आपका 2000 का स्टॉप लॉस जाएगा। 2000 के स्टॉप लॉस के सामने आप 5000 का प्रॉफिट बनाओगे। जब आप 5000 का प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बनाओगे इसके अंदर 5 बार आपको ट्रेड लेना है 50 क्वांटिटी पर 5 बार, ठीक है। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स 5 बार का ट्रेड आपको 100 पॉइंट्स कैप्चर करने, दैट्स द टारगेट। तो आप लोग कितना कमा रहे हो, 25000 रुपए आपने कमा लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 25 का लॉट साइज है, दो लॉट हम लोग ट्रेड कर रहे थे, अब जब 25000 का 20000 का प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग उसको स्लाइडली एक लॉट इंक्रीज कर देंगे। अब हम लोग 75 क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। अब जब हम लोग 75000 क्वांटिटी ट्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7500 रुपीज। अगेन ये आपको 5 बार कमाना है 7500 रुपीज, आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा 7500 रुपीज के हिसाब से। देन आपका स्टॉप लॉस भी इंक्रीज होगा, 2000 का लग रहा था अब 2500-3000 का स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है, वो इंक्रीज कर लेना है आपको, ठीक है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना है, 700 पॉइंट्स कैप्चर करेंगे 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के सामने, 30-35-40 पॉइंट्स के मैक्सिमम स्टॉप लॉस। ये जब आप 7500 रुपीज 5 बार करोगे प्रॉफिट तो आपका 37000 का प्रॉफिट इकट्ठा हो जाएगा। देन हम लोग फिर एक लॉट ऐड करेंगे, 75 का लॉट 75 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे थे, एक लॉट ऐड करने से हम लोग अब 100 क्वांटिटीज जो है वो ट्रेड करने वाले। तो 100 क्वांटिटीज में अगेन हम लोगों को क्या करना है, 100 पॉइंट्स कैप्चर कर लेने, ठीक है। वही 30 पॉइंट्स के 40 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के सामने 100 पॉइंट्स कैप्चर करेंगे, लेकिन अब की बार हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो 10000 पार रहेगा, ठीक है। अब की बार 10000 पार का टारगेट रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप जब 5 बार ये फिर ट्रेड कर लोगे, 5 ट्रेड इससे आपको 10000 के करने, तो 50000 पहले हम लोगों ने किया बुक 37000, ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने किया था 25000, तो अब आपके पास प्रॉफिट का 1,12,000 रुपीज है। इसमें से हम लोग लॉसेस पकड़ के चल रहे थे कि 20000 का लॉसेस हो गया, स्टॉप लॉस भी तो हिट होंगे आपके, 20000 का लॉसेस, ठीक है, 90-92000 आपके पास प्रॉफिट का पड़ा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप लालच को छोड़ सकते हो, लालच को छोड़ देना है। कैसे छोड़ना है लालच को, ये हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स के ट्रेडिंग, ठीक है ना। निफ्टी फ्यूचर्स एक लॉट से स्टार्ट करना है या फिर दो लॉट से स्टार्ट करना है। एक लॉट ट्रेड करने से ज्यादा 70000-65000 के आसपास का आपको फंड जो है वो चाहिए होगा, ठीक है। तो ये अब आपने जो कमा लिए पैसे, अब आप क्या ट्राई करोगे, अब आप थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट के लिए ट्राई करोगे, यानी कि 100 पॉइंट्स बुक कर रहे थे, अब 150 पॉइंट्स के लिए आपको जाना है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, स्विंग ट्रेड की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड को जब स्टार्ट करोगे तो अगेन 50 क्वांटिटी से ही स्टार्ट करना है। जब हम लोगों ने कमाया 50 क्वांटिटी से स्टार्ट की थी इंट्राडे के अंदर 100 क्वांटिटी, तो जब आप स्विंग ट्रेड के तरफ जाओगे तो कभी भी मार्केट आपके खिलाफ 100-200 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को 100 क्वांटिटी में वो लॉस नहीं देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे कि जब हम लोग 50 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, ठीक है, 50 क्वांटिटी से, तो अगर 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स हमारे अगेंस्ट में गैप अप ओपन हुआ तो हमको 7000-7500 का लॉसेस भी होने वाला, ठीक है। ये हो सकता है गैप अप आपका 200 पॉइंट भी हो जाए, लेकिन हम लोगों ने कमाए तो नहीं है 200 पॉइंट, तो पहले हम लोगों को ओवरनाइट रख के 200 पॉइंट कमाने पड़ेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप अगर आपको सीखना है तो आपको कमेंट्स में लिखना है, स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप मैं आपको सिखाऊंगा। और अगर आपको सारे ही सेटअप सीखने, ओवरऑल स्टॉक मार्केट अगर आपको सीखना है तो आपको एलटीपी कैलकुलेटर का जो कम्युनिटी बैच है वो मेरा ज्वाइन करना पड़ेगा। 2500 रुपीज फीस है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जो है कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। और सब कुछ एलटीपी कैलकुलेटर, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, सब कुछ आप सीख सकते हो। कंप्लीट कोर्स रहेगा 1 मंथ का, ठीक है। तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस जरूर कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको देखने के लिए मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।